एक छोटी सी चिंगारी से आग ऐसी भड़की कि 28 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई। यह घटना हुई है गुजरात के राजकोट में, पर इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे, आइए जानते हैं। गुजरात का टीआरपी गेम जोन, तारीख 25 मई शाम के लगभग 5:30 बजे, गेम जोन के एक हिस्से पर वेल्डिंग का काम चल रहा था। पास में ही पेट्रोल और डीजल भारी मात्रा में रखा हुआ था। वेल्डिंग करते वक्त एक चिंगारी से आग फैल गई। काम कर रहे लोगों ने आग बुझाने का खूब प्रयास किया, लेकिन आग बुझा नहीं पाए। सिर्फ 2 मिनट में ही इस आग ने विकराल रूप ले लिया और देखते ही देखते पूरा बिल्डिंग इस आग की चपेट में आ गया। इस गेम जोन में आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। जितने भी लोग यहां पर काम कर रहे थे, आग भड़कता देख वो सब बाहर निकल गए, लेकिन वो लोग जो इस गेम जोन में खेलने कूदने आए थे, वो सभी लोग अंदर ही फंसे रह गए। घटना की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड तुरंत ही एक्शन में आई, लेकिन ये आग इतनी भयानक थी कि फायर ब्रिगेड की 8 टीमों को इस आग को बुझाने में 3 घंटे का समय लग गया। इस दर्दनाक घटना में 12 मासूमों सहित 28 लोगों ने कुल दम तोड़ दिया। कुछ लोग इतनी बुरी तरह से जल चुके थे कि अभी तक उनकी पहचान नहीं हो पाई है। घटना में मारे गए सभी लोगों के DNA टेस्ट कराने के बाद सभी की पहचान हो पाएगी। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक चिंगारी भड़कती है और एक विकराल रूप ले लेती है। इस गेम जोन में आखिर ऐसा क्या था कि आग इतनी तेज फैल गई? आपको बता दें कि यहाँ पर 1500 लीटर पेट्रोल, 2000 लीटर डीजल था और गेम जोन की छतों पर थर्माकोल का यूज हुआ था। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत से टायर भी रखे हुए थे, और जब इस गेम जोन का कंस्ट्रक्शन हुआ था उस समय इसमें लकड़ी का भी यूज हुआ था, जिस कारण से आग इतनी खतरनाक रूप ले लेती है। 2020 में बना ये गेम जोन 3 मंजिला था। आग नीचे से ऊपर की ओर भड़कती है। दूसरी और तीसरी मंजिल के लोगों को अपनी जान बचाने का मौका ही नहीं मिला। इस घटना में यह मुख्य बात निकल कर आती है कि गेम जोन के मालिकों को परमिट ही नहीं मिला था, लेकिन फिर भी लगभग 4 सालों से यह धड़ल्ले से चल रहा था। या तो राजकोट नगर निगम के कानों में ये बात ही नहीं गई, या फिर नगर निगम के अधिकारियों को मोटी रिश्वत मिलती थी। आपको बता दें कि घटना के बाद गेम जोन के मालिकों का कोई अता पता नहीं है। इस घटना में आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर लिखें।